हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये उनकी ट्रू फीलिंग्स को लेकर है। आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है, ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो है चेक करेंगे और ये कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग होगी। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स पे, इनमें से किसी भी टॉपिक पे पिकअप कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बहुत खुशी खुशी आप लोगों के लिए पिकअप कार्ड भी बना लूंगी। ठीक है, तो चले लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अपना काम। जनरल रीडिंग है, जर्नी के सफलों के लिए जो है रिजोनेट करे पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और उसके अलावा जो है यस, जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है, थी था पे ध्यान न देते हुए ध्यान सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे दें। ओके, सो लेके प्रभु का नाम मैं अपना काम शुरू करूंगी। मैं चाहूंगी आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, क्विक क्विक रीडिंग करेंगे। ओके, सो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। ओके, आपके पार्टनर कोई तरीके की क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब वो समय है जहां पर आपको दोनों को खुलकर बात करनी चाहिए और चीजों को क्लियर करना चाहिए। यानी कि आप दोनों के बीच में अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होकर मिस कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन को ये ठीक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जो है रियलिटी चेक ले लें और समझ लें कि क्या मुमकिन है क्या नामुमकिन है। हो सकता है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत पुशी हो रहे हो, लाइक हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे या कोई ऑफर दे दें, बट ये चाहते हैं कि आप खुलकर रियलाइज करें कि क्या मुमकिन है क्या नहीं। और ये तरीके की बात आपके सामने ये खुलकर करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी बातों में थोड़ी सी रूड बिहेवियर आपको देखने को मिले या थोड़ा सा आपके साथ ये कठोर हो जाए और आपको लगे कि यार ये तो दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको खुलकर बताएं कि एग्जैक्टली इनके लिए क्या मुमकिन है क्या नहीं। और आप अपनी डे ड्रीमिंग में ना रहे, लाइक इनसे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें ना करें, होप्स ना रखें और आपका जो है दिल भी ना टूटे। ये आपको खुलकर बताना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली आपको लेकर क्या सोचते हैं और क्या इनके लिए मुमकिन है, क्या सोसाइटी इमेज के दबाव से ये नहीं कर सकते। हो सकता है कि इनकी जिंदगी में ये ऑलरेडी एक फैमिली पर्सन है या फैमिली वगैरह है इनकी, या आपकी मैरिज हो चुकी है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कमिटमेंट दे दे, और ये कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सोच रहे हैं कि नहीं यार ये सोसाइटी के हिसाब से नामुमकिन है, ये हम लोग नहीं कर सकते। या इनके पेरेंट्स को लेकर आप ऐसे बोल रहे हो कि पेरेंट्स तुम्हारे ऐसा कर रहे हैं, पेरेंट्स को दूर कर लो अपने से, तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं। कोई ऐसी बात जो है वो आपसे खुलकर करना चाहते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके असलियत का सामना करें, जितना जल्दी हो सके रियलिटी देखें, उतना आपको जो है रिलैक्स फील होगा। कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन करके ये आपके और इनके बीच की दूरियां कम करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि आपकी और इनकी जिंदगी में एक होने में ही बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट फील कराते हो। ये आपकी लाइफ में और आप इनकी लाइफ में जब एक साथ होते हो, एक दूसरे को समझकर चलते हो, अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, तो आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे तोड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि दोनों के बीच में लव इतना हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट फील कराते हो। दोनों एक दूसरे के बिना अकेले और साथ में होकर एक दूसरे के साथी यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हो, बेस्ट बडीज बन जाते हो। आप लोग हो सकता है पति पत्नी हो, आप लोग हो सकता है कोई और रिश्ते में हो, बट जब आप दोनों साथ होते हो तो जैसे आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो। आप दोनों का एक दूसरे से कोई भी बात शेयर करना बहुत इजी हो जाता है और ये आपके साथ ये कंफर्ट जोन को बहुत पसंद करते हैं। इनको लगता है ये कंफर्ट जोन जो आपने इनको दिया है, जहां पर ये आपके साथ खुलकर चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुलकर शेयर कर सकते हैं, ये मैच्योरिटी का एक अलग लेवल है। आपके रिलेशनशिप की एक मैच्योरिटी का एक अलग पड़ाव है जो आपने इनको दिया है। शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग कोई और नहीं दे पाएगा इनको जितनी अंडरस्टैंडिंग आप देते हो, इसलिए ये आपके सामने खुलकर अपना दिल जो है रखना सही समझते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के साथ नो कम्युनिकेशन है, बट बहुत जल्दी ये कम्युनिकेशन में तब्दील होगी क्योंकि आपके पार्टनर डायरेक्ट और ठीक ठाक सामने बोलते ना सीधी बात दो बकवास, सीधी सीधी क्लियर बात करना चाहते हैं आपके सामने कि लुक ये हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट साथ ही साथ यहाँ पर मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरे लिए महत्व रखती है, मैं उन चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने उस चीज को कॉम्प्रोमाइज किया तो मैं शायद कायर कहलाऊंगा, मैं शायद कमजोर कहलाऊंगा। तो अगर तुम्हें मुझमें कुछ पसंद है तो शायद इसीलिए पसंद है क्योंकि मैं सब जगह रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं सब जगह केयरिंग हूँ, मैं सब जगह काइंड हूँ, तुम मुझसे मेरा ही ऑरा नहीं छीन सकते। लाइक वो एक एनर्जी है जहाँ पे ये आपको समझाना चाहते हैं कि यार तुमने तो मुझे ऐसा ही पसंद किया था तो अब तुम मुझे बदलना क्यों चाहते हो, वो वाले एनर्जी में जहाँ पर ये आपके साथ खुश होते हैं और इस खुशी को इस पॉजिटिविटी को ये आगे भी देखना चाहते हैं आप दोनों के बीच, इसीलिए आपसे क्लियर बात करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक बैलेंस लाइफ को इमेजिन करते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ हो, हर मुसीबत में हर खुशी के पल में, छोटी से छोटी बड़ी वो छोटी चीज भी इनकी जिंदगी में हो जाती है ना, जहां पर इनको समझो
मान के चलो किसी फलाना पर्सन ने शायद मिठाई का डब्बा भी क्यों ना दे दिया, ये खुश हो जाते हैं और सोचते आज मैं उसको बताऊंगा पता है मेरे को मिठाई का डब्बा मिला और ये वाली मिठाई मिली थी। लेकिन एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है जहां पर ये आपके साथ चीजों को शेयर करना पसंद करते हैं। इनको लगता है जब आप दोनों साथ हो तो बहुत मजबूत हो, आप लोग दोनों ताकतवर होते हो जब एक साथ होते हो, जब आप लोग अलग होते हो तब आप लोग दोनों की क्षमता कम हो जाती है, दोनों की एनर्जी लेवल लो हो जाती है, दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह पाते। ये बेसिकली आपके रिलेशनशिप में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, वो चाहते हैं आप भी कॉम्प्रोमाइज करें, ये भी आपके लिए फ्लेक्सिबल रहें और चीजों को ठीक करने की दोनों कोशिश करें। ये चाहते हैं कि आप उस दुनिया में आ जाएं जहां पर आप पहले जैसे हुआ करते थे वैसे बन जाए। लाइक एक शुरुआत में आप जो थे हसमुख थे, बहुत पॉजिटिवली चीजों को लेने वाले व्यक्ति, बहुत प्रैक्टिकली कोई चीज अगर ये आपको बोलते थे यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा फलाना डे पे, आज मैं बिजी हूं, तो आप बोलते थे इट्स ओके कम्प्लीटली कोई बात नहीं है यार, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकता हूँ, इट्स कम्प्लीटली फाइन, तुम्हारा वहां पर ध्यान देना जरूरी है मुझे पता है। या कौन सी चीजों में ये आपको बोल देते थे कि यार यहाँ पर प्लीज समझ लो ना, एडजस्ट कर लो यार, तुम ही कर सकते हो, तो आप बोलते हाँ ओके मैं कर लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे इसमें बोलने की क्या जरूरत है। वो एक अंडरस्टैंडिंग स्वभाव, वो एक लॉजिकल स्वभाव, वो एक प्रैक्टिकल जहां पर आप दिमाग से चलते थे, किसी भी अरे गहरे नथु खेरों को एंटरटेन नहीं करते थे, आपका दिमाग ऐसा चलता था जहां पर आप बोलते थे कि क्या चीजें, इनफैक्ट आप इनको गाइड करते थे, मोटिवेशन देते थे कि लुक हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, इनके पास तरह तरह के आइडियाज देते थे। इनफैक्ट आप बहुत स्पाइसी और नॉटी पर्सन भी रहे हो, लाइक एक टाइम पे आप ही क्रिएटिविटी करते हो अपने रिलेशनशिप में, चलो आज ये कर लेंगे फन के लिए, मजा आएगा, यहाँ घूमने जाएंगे आज मजा आएगा, आज हम लोग ना नई चीज ट्राई करेंगे, ये होगा, लाइक एक तरीके का ना पार्टिसिपेशन आपका रहा जिसमें आपने इस रिलेशनशिप को बहुत स्पाइस अप किया है, हमेशा मजबूत बनाया, हमेशा हैप्पी मोमेंट क्रिएट किए और आपकी इसी ऑरा को इन्होंने हमेशा पसंद किया है। वो कहीं ना कहीं आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे उस ऑरा को तो मैंने बहुत पसंद किया पर तुम बदल क्यों रहे हो, तुम्हारे अंदर बदलाव क्यों आ रहे हैं, ये कौन सा पर्सनालिटी तुम्हारे अंदर आया है। तो वो बेसिकली आपके बदलाव को हैंडल नहीं कर पा रहे, इनको याद आ रहा है कि आप कैसे गिविंग रहे हो हमेशा, आप जो है इनके लिए ऐसे पर्सन रहे हो जो बहुत केयरिंग रहे हो, अंडरस्टैंडिंग रहे हो, तो आप सडनली चीजें क्यों वो हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में अपने आप की दुनिया में ज्यादा अब बिजी रहने लगे हो या ऑक्यूपाइड रहते हो, बेसिकली अपने आप पे आप खुश रहने लगे हो, आपकी एक दुनिया बन गई है जहां पर आप ऐसे हो गए ठीक है यार होती है चीजें, ठीक है नहीं होती है नहीं होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्ट्रेस्ड नहीं हो, आप हैप्पी हो। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेस कभी कभी आपके ऊपर हावी जरूर होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एनर्जी में लो हो जाते हो, गिरावट आती है आपके अंदर, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को वापस हील करते हो, संभालते हो और वापस एक रिसीविंग वाले स्टेज पे आ जाते हो जहां पे आप बोलते हो कि ठीक है यार कोई नहीं प्यार देता कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप से प्यार करती हूँ ना, मैं तो खुद से प्यार करता हूँ, इतना काफी है। आपके अंदर बहुत स्ट्रांग चेंजेस आ रहे हैं, आप इमोशनल भी हो, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इमोशनल बिल्कुल नहीं हो, सडनली बैठे बैठे रोना, कभी कभी अचानक से एक अकेलेपन से गुजरना, ये भी एनर्जीज आपके अंदर आती है जिसको मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल का प्रोसेस कहती हूँ, बट ये एनर्जी से आप धीरे 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 जो है निकल भी जाते हैं अपने आपकी, आपके अंदर एक एनर्जी है जहां पे आप दूसरे के मोटिवेशन का वेट नहीं करते कि वो फलाना पर्सन आएगा और मोटिवेट करेगा, नहीं आप खुद को खुद मोटिवेट करके दोबारा उठाते हो और ये एक ऑरा आपका बहुत ही ब्रिलियंट है। ओके आपके पार्टनर बेसिकली ऐसा है कि आपके नजदीक काफी आ चुके हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है बार बार फोन उठाते हैं और आपको मैसेज करने का सोचते हैं, कॉल करने का सोचते हैं, या कई बार गाड़ी उठाते हैं और बोलते हैं चलो यार मुझे उसके सामने वाले पर्सन के सामने जाना चाहिए, बट संकोच करते हैं, इनको लगता है कि आप शायद पता नहीं इन्हें समझेंगे नहीं समझेंगे, आप शायद सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आप शायद अपनी बात को लेकर डिफेंसिव ना हो जाए या आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, शायद चीजें बदल गई हैं, शायद आप बदल गए हो या शायद वो बदल गए हैं, बट सर्कमटेंसेस जैसे रहे हैं इसके बाद इनको टेंशन आ रहा है इस बात से कि यार चीजें मैं जाऊं तो जरूर, मैं बात तो जरूर करूं, क्या वो समझेंगे, क्या वो कुछ करेंगे, मतलब बेसिकली इनिशिएट करने से पहले का स्ट्रेस यहाँ पे, अरे यार मैं तो चला जाऊं लेकिन क्या मालूम अगर देखो अगर ये आ गया तो और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो यार इसकी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, इसको तो इंसल्ट फील होगा, इसको तो लगेगा यार मैंने तो कोशिश की और उसने सामने वाले ने मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं दी, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा जहां पे इनको लगेगा वो गॉड मैंने क्या किया, अपने आप की बेवकूफियों पर अपने आप पे ही गुस्सा आएगा, वो वाली एक एनर्जी रहेगी जहां पे खुद पे गुस्सा आने लगेगा, तो ये वो नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि इनकी कोई बेइज्जती हो इनकी इंसल्ट हो, इसलिए मूड को देखकर धीरे 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 पैर रखना चाहते हैं कि ठीक है चलो मूड देखता हूं, अगर मूड होगा सुनने का समझने का तो डेफिनेटली आगे बात करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे पॉसिबिलिटी के मैसेज या कॉल करके ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे हो, और उधर आपने शुरू कर दिया ना अगर पास्ट का कि बताए तुमने फलाना पर्सन के साथ ऐसा किया मेरा दिल तोड़ा मैं आज भी रोई हूं मैं तुम्हारा इंतजार करती रही फलाना वम का ठिकाना बड़ी बड़ी बातें कर ली बस उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट भाई तुम मुझे माफ कर मैं वापस अपनी जिंदगी में ही खुश हूं निकल लेंगे
क्योंकि अब ऐसा है ना कि वो आपसे पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि प्रेजेंट में क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है क्या नामुमकिन है। सीधी सीधी क्लियर बात आपके सामने करना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, क्या ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए भी उतना ही महत्व रखता है जितना मेरे लिए रखता है, ये खुलकर बातें करना चाहते हैं आपके साथ आपके पार्टनर, क्योंकि आपके साथ वापस वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स बिताना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये मोमेंट्स बेडरूम में रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बाहर रहे हैं, ट्रैवलिंग में रहे हैं, डेटिंग शेडिंग में रहे हैं, बेसिकली कुछ तो ऐसा था जो बहुत म्यूचुअल था। आप दोनों में बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप बना है, हमेशा हमेशा दोनों ने एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को छेड़कर, एक दूसरे की टांग खिंचाई करके बहुत बहुत ही बेहतरीन स्पाइस्ड अप रिलेशनशिप को क्रिएट किया है। तो ये नहीं चाहते कि रिलेशनशिप इतना स्पाइस अप रिलेशन इतना आसानी से टूट जाए, ये नहीं चाहते कि ये आप इस रिश्ते को आसानी से जाने दें, ये चाहते हैं कि आप एफर्ट करें और ये भी अपनी तरफ से अपना एफर्ट डालें। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे जो है काफी स्ट्रांगली लियो एनर्जी मिली है, कुछ लोगों के लिए मुझे एरिस लियो सैजिटेरियस ओके और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, इनमें से कोई साइन आपके आपके पार्टनर की हो सकती है। मुझे काफी स्ट्रांगली एक इनिशियल दिखा है आर लेटर, अब ये आर लेटर किसका है आई डोंट नो, मुझे सिर्फ आर दिखा है और मुझे सॉरी और मुझे बार बार एक कप दिख रहा है ये कप मुझे बहुत ही अलग दिख रहा है, जैसे चाय का भी नहीं है बट कप है, पता नहीं क्यों कप, मतलब बोल नहीं है कप है, मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो चीजों को ठीक जरूर करना चाह रहे हैं पर बेहतर मोमेंट का, बेहतर समय का इंतजार कर रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स ये है कि आपके लिए उनके मन में फीलिंग जरूर डेवलप हुई है, सीरियसनेस है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की इच्छा है, बट इस रिलेशनशिप को इनिशिएट करने के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि क्या आप उस मोड पे हैं या उस एक जोन पे ये दोनों आप दोनों आ चुके हो जहां पर ये बात करें और आप सुनने के मूड में होंगे, जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज या फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करेंगे, क्या वो समय है जहां पर आप बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हम दोनों साथ में मैनेज हो रहे हैं, या ये फलाना तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ओके विद इट, बस प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है, हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके बैलेंस करके चलेंगे, इतना काफी है, मुझे सोसाइटी की नहीं पड़ी, मुझे लोगों की नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ तुम्हारी पड़ी है। अगर वो उस जोन में आप आ रहे हो जब आप उसको सुनने के मूड में हो तो डेफिनेटली वो इनिशिएट करे, ठीक है। सो आज की ट्रू फीलिंग्स उनकी यही है, ट्रू करेंट फीलिंग्स जो है वो यही है कि वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं और आपसे क्लियर टॉक करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में। ओके, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें प्लीज। आप लोगों की एनर्जी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की हो सकती है। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं पास्ट को भूलकर अब एक नई शुरुआत करने का समय है, ठीक है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस हुए हैं, मन मुटाव हुआ है, मन खट्टा हुआ है, आपने मन खराब किया, इन्होंने मन खराब किया, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। बट इस वक्त जब यूनिवर्स और एंजल्स आपको एक नई शुरुआत का मौका दे रहे हैं तो आप इसको आगे की तरफ लेके जाए, आप पास्ट के बारे में नहीं करें बात, डिस्कशन अवॉइड करें, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अब ये नए प्रस्ताव में हो सकता है कि आपकी न्यू बिगनिंग एक न्यू व्यक्ति के साथ हो सकती है, बट मुझे दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हो उसके तरफ से आपको कंप्लीशन मिल सकता है, रिकॉन्सिलेशन रीयूनियन की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है और उस व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। पर यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आप भी हो जाओ, थोड़ा सा पास्ट की मेमोरी से बाहर निकलो, मिट्टी डालो, जो पास्ट हुआ हुआ, चाहे अच्छा वक्त था चाहे बुरा वक्त था, कंपेयर मत करो यार पास्ट में तो ये ऐसे हुआ करते थे अब ये ऐसे हो गए, पहले ये मुझे 24 घंटे दिया करते थे आप तो सिर्फ 24 मिनट दे रहे हैं, बट जो भी जैसा हो रहा है स्लो स्लो आगे बढ़ो, तुरंत से चीजों को एक्सपेक्ट मत करो कि भाई भागा भागा आया, रिंग दे दी, भाई वरमाला डाल दी, होगी शादी, नहीं ऐसा नहीं होगा, चीजें ठीक होने में प्रोसेस है, चीजें ठीक होने का मौका मिला है, ठीक करो, बाकी यूनिवर्स करेगा, आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, फ्लो के हिसाब से चलो, जो जैसा हो रहा है उसको होने दो, स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो जाओ, अरे अभी तो क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, नहीं स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, अपने रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंट रहना सीखो, ठीक है। सो लेट मी जस्ट सी, एक मिनट, ओए एक मिनट यार, एक मिनट, मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया मेरे फोन एक मिनट कैमरा की बैटरी गई, फोन की बैटरी गई, वेट, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं तो वीडियो बनाती रह जाती और मेरे को रियलाइजेशन ही नहीं आती। एनीवेज ओके, सो चलो देखते हैं आपके फ्यूचर आउटकम क्या होगी आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स मुझे करेंट आउटकम बताएं, ओवरऑल करेंट फ्यूचर और नियर फ्यूचर आउटकम इन दोनों के रिलेशनशिप का। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर।
आपकी प्रार्थनाएं, आपकी अफर्मेशंस, आपकी विजुलाइजेशन, जिस वजह से आप इनको विजुलाइज करते थे, बेसिकली मैनिफेस्ट करते थे, वो सारी चीजें अब आप दोनों को एक करेंगी। यूनिवर्स आपको एक करने की पूरी कोशिश कर रही है, बस आपको इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। इस पे डाउट नहीं करना है कि वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, नहीं, यूनिवर्स अपनी तरफ से अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। आपको भी एक्सेप्टेंस वाली पोजिशन पे आना है, लाइक रिसीव करने के लिए रेडी होना है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो, और यस कमेंट बॉक्स में कहो आई क्लिंग विद एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और यस, बाकी सारी डिटेल्स मेरे चैनल के वीडियो के नीचे है, वीडियो के ऊपर भी है, ब्रेसलेट हो या मेरी पर्सनल रीडिंग, या आप लोगों को फ्री रीडिंग के लिए वेबसाइट पे जाना है तो वेबसाइट भी मैंने बनाया है, वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। जिन लोगों को मुझसे कोर्सेज सीखने हैं वो लोग भी जो है डिटेल्स के लिए जा सकते हैं, वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको डिटेल्स कोर्सेज के भी। और यस, उसके अलावा क्या बचा, मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ भी मुझे फॉलो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टा पे भी मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी आ सकते हैं आप, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।